अच्छा ये बताओ ये क्या है? शार्पनर है, इसका क्या मकसद है? पेंसिल शार्पिंग करना। अगर आप शार्पिंग कर रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या करोगे? कुछ काम का है ये? नहीं, कुछ काम का नहीं है। हाँ अच्छा ये क्या है? बॉल। इसका क्या मकसद है? इसका खेलने का, खेलने के लिए। तो बॉल को फेंको तो बाउंस होना चाहिए ना। अगर फेंको और बाउंस ही नहीं हो रहा है और कुछ काम ही नहीं है, इसको कोई यूज ही नहीं होगा इसका, तो क्या होगा? कुछ भी काम नहीं है। ये क्या है? बलून का क्या मकसद है? फूलने का, ब्लो करना मकसद है। अब ब्लो कर रहे हैं ब्लो ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप? कुछ काम का है, कुछ काम का नहीं होगा। अच्छा ये क्या है? किसकी बैग है भाई? क्यों आप यहाँ से जाने वाले हो स्कूल? हाँ इसका क्या मकसद है? बुक को उठा के स्कूल लेके जाना, स्कूल ले आना। हर एक चीज का कुछ मकसद है ना। ये किसकी वाटर बॉटल है? मेरी। ये वाटर बॉटल का क्या मकसद है? पानी रखना। ओके वेरी गुड। हर चीज का कुछ मकसद है। हर चीज का मकसद है। हाँ ये टेबल का क्या मकसद है? कुछ भी रखे हैं, कुछ भी खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चेयर्स का क्या मकसद है? बैठने का। ये कपड़े का क्या मकसद है? पहनने का। हाँ हर चीज का कुछ मकसद है। और एक मिसाल दे रहा हूँ, ये क्या है? चम्मच। ये क्या चीज के लिए है? इसको खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए है ये। हाँ ये चम्मच क्यों है? आपने देखा किसी को पकाते हुए? देखा है आपकी मम्मी को देखा है पकाते हुए? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तपेली। क्या चीज के लिए है ये? खाना रखने के लिए इसको, और पकाने के लिए भी है। इसका कुछ मकसद है? ये क्या है? ढक्कन। क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? कवर क्यों करना है? क्योंकि खराब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पकाने में भी काम आता है और बाद में स्टोर करने में, नहीं तो सब इंसेक्ट आ सकते हैं। हाँ और स्टीम से भी कुक करते हैं। यस बहुत से वापस होते हैं। तो हर चीज का कुछ मकसद है। अब सवाल ये है, हमारा क्या मकसद है? अल्लाह की इबादत करना। अगर हम लोग बिना मकसद के जी रहे हैं, हाँ अगर जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है तो सही है गलत है? गलत। हाँ गलत। हमारे पास तो मकसद होना चाहिए ना। हाँ हम लोग दुनिया में आए, हम लोग जी रहे हैं, बिना मकसद जी रहे हैं? नहीं। कोई मकसद तो होना चाहिए ना, और पता होना चाहिए ना मकसद क्या है। तो आज हम लोग हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी के मकसद के बारे में कुछ देखेंगे। आप ध्यान से सुनो, इंशाल्लाह बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। हाँ और गिफ्ट कहाँ मिलेगा मालूम है आपको? असल गिफ्ट, रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। बिल्कुल सही, आपको इस बात पे दो पेंसिल्स मिलती है। रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे बस एक छोटा सा अप्रिसिएशन। हाँ मतलब मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करो, तो बस आपको इनकरेज करने के लिए। लेकिन रियल गिफ्ट ये नहीं है, रियल गिफ्ट जन्नत। हाँ तो हम लोग आज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिंदगी का मकसद। अच्छा ये बताओ, अगर आप घर पे हो, अचानक दरवाजा कोई नॉक करे या घंटी बजाए, टिंग टोंग बेल, और घर का दरवाजा कौन खोलता है? आपको अलाउड है खोलना? हाँ संभाला करो। हाँ नहीं खोलते हो आप? वेरी गुड। हाँ सेफ्टी के एंगल से देखो। अब सोचो आपकी अम्मी खोलते हैं, आपके फादर दरवाजा खोलते हैं, खोलने के बाद बाहर कोई है, उसको पूछते हैं यस, वो कहते हैं मैंने ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही घंटी बजाया, तो क्या लगेगा आपको? हाँ क्यों हा? क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ और क्या लगेगा आपको? वो पर्सन जिन्होंने ऐसे ही नॉक किया, आपको क्या लगेगा? सब सही है? नहीं, बेल खराब भी हो सकती है। ऐसे बार बार कोई नॉक करता रहे तो? हाँ घंटी कर बजाते रहे। ओके लेकिन अगर एक ही बार बजाए तो आपको क्या लगेगा? हाँ कोई वो पर्सन, कोई आके ऐसे किसी का घर नॉक करे, अच्छी चीज है? हाँ ये क्या है अभी? अब बताओ, कोई नॉक करता है, कोई कुछ कर रहा है, आप लोग यहाँ आए हो, कुछ मकसद है, कुछ सीखने आए हो। हाँ। मैं आया हूँ कुछ ना कुछ बात करने सिखाने आया हूँ। हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है। हाँ। हमारी जिंदगी का भी मकसद है। क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया, सूरह अज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया
कि मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। हमें अल्लाह तआला क्यों बनाया? सिर्फ ताकि हम अल्लाह की इबादत करें। हम लोग बिना पर्पस के, बिना मकसद के नहीं जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में मकसद है, और क्या मकसद है? कि हम जी रहे हैं अल्लाह के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? अल्लाह के लिए। कुछ लोगों का मकसद होता है, वो लोग बोले हम लोग जी रहे हैं पैसों के लिए जी रहे हैं। पैसे उनको चाहिए, पैसे पैसे के लिए भागते हैं भागते हैं भागते हैं, सही गलत कुछ भी करते हैं, हाँ कुछ भी करते हैं। लेकिन लास्ट में जितने पैसे मिलते हैं ना, जब वो दुनिया से जाते हैं, आपको पता है दुनिया से हम सबको जाना है, सब लोग जाते हैं यहाँ से, दुनिया से सब लोग जाते हैं, सबका इंतकाल होता है। हाँ, जब दुनिया से जाते हैं तो सब पैसा भी डाल देते हैं कब्र में, नहीं इनका पैसा ये लो डालो कब्र में डालो, डालते हैं। हाँ, वो पैसा फिर कहाँ होता है? छोड़ के जाते हैं। तो मकसद क्या होता है? उनका पैसा होता है, वो पैसा क्या करते हैं? वो छोड़ के जाते हैं। हालांकि हम लोग जी रहे हैं अल्लाह के लिए। हम लोग अच्छे काम करेंगे, किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए। हाँ, पैसे के लिए अच्छा काम करेंगे? सिर्फ पैसों के लिए करते हैं कुछ लोग अच्छा काम, हाँ, लेकिन पैसा छोड़ के जाएंगे। हमारे साथ हमारा पैसा नहीं आएगा, लेकिन हमारे साथ हमारा ईमान, हमारे अमल आएंगे, आएंगे। ये सुनो, हाँ, तो हमारा जीना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और आसमान और जमीन का सिर्फ अल्लाह ताला मालिक है, सिर्फ एक रब है, अल्लाह ही की इबादत हम सबको करनी चाहिए। तो वमा खलकतुल जिन्ना, आप लोग साथ में रिपीट करेंगे मेरे, हाँ, ताकि याद हो जाएगा, हो सकता है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने इंसानों और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। किस मकसद के लिए? सिर्फ अल्लाह ताला हमें जो बनाया, ये हाथ अल्लाह ताला ने दिया, ये अल्लाह ताला ने सारी ताकत दी। क्यों दी? ताकि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अच्छे काम करें, हम दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें करें। गलत काम करने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं दिया ये। अल्लाह ताला ने दिमाग सोचने के लिए क्यों दिया? अच्छे काम सोचने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।